हाय गाइस, फाइनली यहाँ पे रेडमी नोट 11 सीरीज का सबसे पहला स्मार्टफोन आज इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है, रेडमी नोट 11T 5G। ये स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए, प्लस 5G स्मार्टफोन है और आज इसकी प्राइसिंग भी कंफर्म हो चुकी है। ये स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट 664GB की प्राइसिंग हमें देखने को मिली है, वह 16999, मतलब 17,000 के आसपास नॉर्मल यूजर के लिए। लेकिन अगर किसी के पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है तो वो लोग ये स्मार्टफोन को मात्र 14999 में ही ले सकते हैं। तो ऑफर वाला प्राइसिंग मुझे ठीक लगा है, ऐसे नॉर्मल वाला प्राइसिंग मुझे थोड़ा सा ओवर लगा है। फिलहाल आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड आज का ये टॉपिक रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के इंडियन वेरिएंट को लेकर होने वाला है। आपको तो पता होगा कि जो चाइना पे लॉन्च हुआ है वो इंडिया पे मी सीरीज के अंदर आएगा, तो इंडिया वाला रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स में क्या कुछ फीचर्स, कब तक और किस प्राइस पॉइंट पे इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, आज की ये वीडियो इसके ऊपर होने वाली है। तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने इस वीडियो के अंदर ज़्यादा नहीं 400 लाइक का टारगेट रखा है, मुझे पता आप लोग कंप्लीट कर दोगे, सो फटाफट से लाइक करो और चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लुक एंड डिज़ाइन को लेकर बात करें तो रेडमी जो है वो हमेशा से अपने नोट सीरीज के अंदर लुक एंड डिज़ाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। मतलब एक नोट सीरीज से दूसरे नोट सीरीज की लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी हद तक डिफरेंट होती है, तो इस बार भी डिफरेंट लुक एंड डिज़ाइन के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो चाइना पे लॉन्च हुआ है उस तरीके का लुक एंड डिज़ाइन इंडियन वेरिएंट के साथ नहीं रहने वाला है, डिफरेंट होगा। बाकी फीचर्स की बात करें तो फ्रंट पे अगेन 6.67 इंचेस की ही बिग बड़ी डिस्प्ले का सपोर्ट होगा, जहाँ पे 120 हर्ट्ज के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले का ही सपोर्ट रहने वाला है। मतलब डिस्प्ले देखा जाए तो प्रीवियस वर्जन की तरह ही होगा, सिर्फ यहाँ पे अंदर के कुछ छोटे मोटे फीचर्स को अपग्रेड किए जाएंगे। लाइक 360 हर्ट्ज तक की टच सिम्पली रेट का सपोर्ट मिल सकता है एंड 1300 निट्स तक की पिक ब्राइटनेस, ये दो चीज़ अपग्रेड हो सकती है। बाकी रियर साइड कैमराज प्रो मैक्स के अंदर कन्फर्म है कि 108 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी, जहां पे सैमसंग की HM2 सेंसर को ही दिया जाएगा। अब ये चीज़ कन्फर्म नहीं है कि ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा या क्वाड कैमरे का सेटअप होगा, ये कन्फर्म नहीं है। इसके अलावा फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल की सेंटर पंच होल कटआउट के साथ सेल्फी का सपोर्ट रहने वाला है, ये दो चीज़ डेफिनेटली कंफर्म है। तो कैमराज यहाँ पे डिसेंट रहने वाले हैं, हालांकि सेम सेंसर ही होंगे जो कि प्रीवियस वर्जन पे थे, लेकिन इस बार प्रोसेसर डिफरेंट रहने वाला है तो कैमरा को भी डिफरेंट तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाएगा। बाकी बात कर ले परफॉर्मेंस की तो हाल ही में गैजेट डेटा की तरफ से लीक्स दिया गया, जो कि काफ़ी बड़े लीक्सटर है जिनकी तरफ से दिए गए लीक्स काफ़ी हद तक सच होते हैं। उन्होंने बताया है कि रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स जो होगा वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G वाले 5G प्रोसेसर के साथ आने वाला है। अब देखा जाए तो परफॉर्मेंस को लेकर तो अपग्रेड होगा, बट हम इसे मेजर अपग्रेड नहीं बोल सकते। अगर 768G होता या 778G तक अपग्रेड होता तो हम इसे मेजर अपग्रेड बोल सकते थे, लेकिन बजट सेगमेंट के अंदर रहते हुए ये जो प्रोसेसर है ये 5G कनेक्टिविटी को भी प्रोवाइड करता है एंड बजट सेगमेंट के अंदर ही होगा, तो ये प्रोसेसर के साथ आएगा तो इससे हमें ही बेनिफिट्स होगा। पहली बात कि इसकी प्राइसिंग भी कम होगी, 20,000 के आसपास तक इसकी प्राइसिंग होने वाली है, ऊपर से 5G कनेक्टिविटी को भी प्रोवाइड करने वाला है और आप परफॉर्मेंस भी तगड़ा देने वाला है। बाकी 5000 mAh की बैटरी होगी, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस बार 67W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। ये भी कन्फर्म लेकर चल सकते हो कि प्रो मैक्स के साथ हमें 67W तक की चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm जैक, आईआर ब्लास्टर, टाइप सी पोर्ट एंड प्राइवेसी को लेकर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, ये सब कुछ भी दिया जाएगा। तो ये कुछ फीचर हम लोग डेफिनेटली लेकर चल सकते हैं कि इस बार रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स के साथ दिया जाएगा। बाकी बात करें इसकी लॉन्चेस की तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये सीरीज नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलेगा, वो हमें जनवरी के एंड तक बताया जा रहा है कि रेडमी नोट 11 सीरीज हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब अब हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने तक वेट करना होगा, उसके बाद रेडमी नोट 11 सीरीज और रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी 9 सीरीज इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। दोनों की लॉन्चेज हमें आसपास ही देखने को मिलने वाले, मतलब 10 से 12 दिनों के ही डिफरेंसेज होंगे दोनों स्मार्टफोन सीरीजों के लॉन्चेज के बीच। तो ये था यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स को लेकर कुछ डिटेल्स। फिलहाल आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी के लिए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए।